Hey guys, welcome back to my channel. Hoi hoi channel. तो जी हम एक sensitive topic पर बात करने के लिए आए हैं, लेकिन क्योंकि सब बात कर रहे हैं तो हमने सोचा हम भी बात कर लेते हैं। और क्या चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आज आपको हम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोले या ना बोले। काहे का इंडिपेंडेंस डे यार, काहे का इंडिपेंडेंस डे। ये कैसी इंडिपेंडेंस है जिसका अफसोस ही है। ये इंडिपेंडेंस किस तरीके का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सी, हम इस वीडियो को मोनेटाइजेशन के लिए उस पर क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ऐड आए बीच में, हमको बात करनी है, हमें नहीं चाहिए ऐड बीच में। हम बोल रहे हैं तो मतलब हम चाहेंगे कि हम एक बार में बोल के निकल जाएं इस वीडियो से, और उसके बाद आप के बीच में एटलीस्ट आपको बीच में वो एड्स डिस्टर्ब ना करें। तो देखिए, हम तो वो हमें देखिए ज़्यादा टेक्निकल हम आपको पता है हम है नहीं। जैसी वीडियोस होती है नॉर्मल सी वो अपलोड करने डाल देते हैं, इससे ज़्यादा हमें कुछ आता भी नहीं है। तो वो मोनेटाइजेशन का भी अब क्या सिस्टम है क्या नहीं है पता नहीं, लेकिन हाँ अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि कोशिश की अपनी तरफ से हम वो मोनेटाइजेशन का वो जो एक क्लिक होता है वो बटन हम प्रेस नहीं करेंगे, मोनेटाइजेशन ऑफ रखेंगे। अब बाकी पता नहीं ऐड आएंगी तो हमको नहीं मालूम है भाई। हम सेंसिटिव टॉपिक, मतलब क्या टॉपिक, आपको भी पता होगा कि क्या चल रहा है देश में, चल रहा है क्या चल रहा है, किस तरीके की इंडिपेंडेंस है, पहले तो हमें नहीं समझ आती। देखिए कभी कभार ना कुछ ज़िम्मेदारी हम लोगों को उठानी पड़ती है, लेकिन वही है कि ऐसा बोलते हैं ना कि कानून को अपने हाथ में मत लो। अब जो कानून जिनको हाथ में लेना होता है वो भी नहीं लेंगे तो कौन लेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए। कल हम बाहर गए थे, अपनी मम्मी, हमारी मम्मी बीमार हैं तो उनको जो डॉक्टर को दिख कर उनकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी अचानक से, तो हम उनको शाम को डॉक्टर के पास लेके गए थे लेट इवनिंग में। तो जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर बाहर निकलते ही वहाँ पे पुलिस तैनात थी, घूम रही थी यहाँ, और सायरन बज रहे थे लगातार, और एक अनाउंसमेंट जो कि रिकॉर्डेड है वो बार बार वही सेम चीज़ें बज रही थी कि सावधान सावधान सावधान, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं, ठीक है, वो बम हो सकता है, ज़िम्मेदार नागरिक बनिए। यार ज़िम्मेदारी क्या, हम लोगों ने ठेका उठा रखा है क्या ज़िम्मेदार उठाने की? कर्मा बिलीवर्स का ही ठेका है बस। बस 10,000 लोग हैं कर्मा बिलीवर्स, उनको ही पता है कि नहीं हम लोग ज़िम्मेदार हैं, बाकी ज़िम्मेदारी किसी की नहीं बनती है क्या? कितने दुनिया में कितने करोड़ की जनता है यार, देखिए हमें नहीं मालूम है, आंकड़ा पता नहीं है हमें। और हम बिना, आपको मालूम है ना जो होता है रॉ होता है, हमको इतना जानकारी इकट्ठा करने का भी टाइम नहीं है कि हम पूरा जो है एवरेज वो स्टैटिस्टिक्स लेके बैठे हैं कि कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, क्या है क्या नहीं। ये एक अल्टीमेटम है जो चीज़ें हो रही हैं। ऑब्वियसली कभी पैंडेमिक आ रहा है, कभी किसी वॉर छिड़ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, प्रलय आ रहे हैं दुनिया भर में, कुछ ना कुछ, कहीं पर बारिश हो नहीं रही है, कहीं पे इतनी ज़्यादा हो रही है। ओवरऑल ये क्या दर्शाता है, प्रकृति? अरे भाई भगवान ने बनाया था, भगवान ने सोचा था कि यार हम जो हैं बड़ी बड़ी शिद्दत से भगवान ने बनाया, ठीक है, कि हम एक सृष्टि बना रहे हैं और इस सृष्टि में कुछ जीव जंतु, कुछ प्राणी होंगे, कुछ जीव जंतु होंगे, कुछ पेड़ पौधे होंगे, एक अच्छा सा सृष्टि हम बनाएंगे, ये है वो सृष्टि, ये है, क्या करें हम ऐसी सृष्टि का, बताइए क्या करें। अरे कल को नाश होना है तो अभी हो जाए नाश एक बार में, सृष्टि नहीं चाहिए ऐसी सृष्टि भाई। जहाँ पे बाहर निकलते हैं तो आपको इस तरीके की अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि सावधान, लावारिस वस्तु को ना छुए, ये बम हो सकता है। मतलब आप बाहर निकल रहे हैं लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप घर में वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, वहीं से निपट लिए। तीर्थ स्थानों में जा रहे हैं, तीर्थ स्थानों में भी जा रहे हैं, वहाँ से भी वहाँ पर क्या हो रहा है, भगदड़ मच रही है, ठीक है। अब हम लोग तो गए थे बहुत दिल से, मतलब हम लोग मतलब कहने की बात है, मेटाफोरिकली हम बता रहे हैं कि इंसान जाता है कुछ सत्संग सुनने के लिए, भगवान जी के दर्शन करने के लिए, वहीं से वो डायरेक्ट ऐसे भगवान जी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाता है कि वो वापस ही नहीं आता फिर घर पे। लेकिन अल्टीमेटली लॉस किसका होता है, उसके पीछे जो रोने बिलखने वाले लोग वो छोड़ के चले जाते हैं ना, वो उनका लॉस होता है। बाकी तो दुनिया का यार कल भूल जाएगी दुनिया, क्या दिक्कत है, दो दिन का तीन दिन का रोना होता है उसके बाद फिर दुनिया भूल ही जाती है।
अभी अगर हम बात करें जो वेस्ट बंगाल में चल रहा है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत क्रूशियल टॉपिक है, हम अमूमन ऐसी चीज़ों पर बात नहीं करते हैं, ठीक है, हमको बुरा लगता है, बुरा एक इंसान होने के नाते बुरा लगता है भाई, जब जब हमारे देश में एक डॉक्टर सेफ नहीं है, हीलर है डॉक्टर में, हीलर की बात कर रहे हैं ना हम, हीलर्स, वी आर हीलर्स, हम लोग अगर डॉक्टर नहीं है भाई, ज़रूरी नहीं है कि हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगे, लेकिन जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, कितने पेशेंट्स की जो है दुआएं लेके, उस पर्सन को दुआएं लगी होगी, उस डॉक्टर को, कि झुक झुक जियो, भगवान तुम्हारा भला करे, तो ये भला हुआ है, ये भला हुआ है, क्या ज़िंदगी देखी यार, कितने ख्वाब थे, सपना तो चलिए चकनाचूर हुए हुए, जिन माँ बाप ने उनको पढ़ा लिखा कितना बड़ा किया था कि हमारी बेटी डॉक्टर, अभी ज़िंदगी भर उनके पेरेंट्स रोते रहेंगे और कुछ नहीं, क्या वो जस्टिस, अरे किस जस्टिस का वेट कर रहे हैं हम यार, यहाँ पीएम, सीएम, डीएम, अरे हमारी सरकार की तो गारंटी नहीं है, 5 साल की तो गारंटी होती है, तो हम क्या गारंटी की उम्मीद करें कि हम लोगों की कोई हम लोगों की तो कोई गारंटी नहीं है यार, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे है कैमरे पे, ठीक है, कैमरे पे हैं, अभी इसको थोड़ी देर में अपलोड पे डालेंगे, इंटरनेट अगर चल रहा होगा, जो भी है, जैसे भी सिस्टम है, अपलोड पे डालेंगे, कोई वही 1.5-2 हज़ार के व्यूज़ आते हैं हमारे चैनल पे, वही आएंगे ऑब्वियसली, देखिए हमको ज़्यादा हम बड़े सपने देखते नहीं हैं, हम चिंदी चोर हैं, चिंदी सपने ही देखते हैं, चिंदी वो तो चिंदी सपने तो पूरे नहीं हो रहे, तो बड़े सपने देख के हम क्या ही उखाड़ लेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि यार एक वर्क प्लेस जिसका सेफ नहीं है, और हम जिनको अपना प्रोटेक्टर मानते हैं, जो हमारे सेवियर्स हैं, कि हम जिनको लगता है कि कल को ये हम लोगों की रक्षा करेंगे, वही लोग मतलब ऐसा चीड़ फाड़ हो रहा है, तब कोई गारंटी नहीं है यार, किसी की ज़िंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है, समझ रहे हैं आप, और हमने बोला ना सीएम, पीएम, डीएम, अरे इन लोगों को दोष देके भी क्या करना है, ये लोगों का काम क्या है, ये लोग आएंगे अपना वो बोलते हैं ना पर्टिकुलर, ये ने इन्होंने माननीय महोदय ने निंदा करी, घोर निंदा करी, हाँ तो बस उस निंदा को क्या करना है, उसको कढ़ाई में स्टर फ्राई करके चाउमीन बना के खा लेना है, निंदा को हो गया, निंदा ख़त्म, भाई बस हो गया, निंदा हो गई है, तरकारी बनाइए उसकी खा लीजिए, कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना, कहाँ है सॉल्यूशन, कहाँ है, अभी 2-4 दिन बाद ये बंद हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद क्या आएगा, नया खबर आएगा मीडिया पे, ठीक है यहाँ पे फलान ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, एग्जांपल दे रहे हैं भाई, फलान कुछ हुआ है, सारी खबर उधर उधर, ये खबर दब जाएगी, वहीं पर पूरा दिन वही दिखाएंगे, हेल्पलाइन नंबर जा रहा है, नीचे फ्लैश हो रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़, अरे क्या ब्रेकिंग न्यूज़ यार, कि हम तो अकेले कुछ कर नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है, हमसे कुछ होगा भी नहीं, अगर आपको लगता है कि भाई मिनी क्रांतिवीर है तो कुछ क्रांति लेकर आएगी, घंटा क्रांति नहीं ला पाएंगे यार, हम अपने घर पे तो क्रांति ला नहीं पा रहे हैं, 4 लोगों की फैमिली है, वहाँ पे सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं, जब झगड़ा लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तब हम अपने आप को एकदम एक कॉर्नर पर ले जाते हैं, चुपचाप ऐसे बैठ जाते हैं, क्यों बैठ जाते हैं, क्योंकि हम तो लूज़र हैं भाई, नहीं जो लीस्ट केयर्ड लीस्ट बॉदर्ड इंसान होता है ना, उसकी तो कभी कदर होती नहीं है, तो काहे की किस चीज़ की बात करें हम यहाँ पर, तो हमारी कौन सी सुनी जाएगी, और कौन सा हम कोई झंडे गाड़ लेंगे या कोई उखाड़ लेंगे कुछ, काहे की हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यार, अभी भी हम पराधीन ही हैं, कोई स्वतंत्र नहीं हुए हैं, रिस्पेक्ट बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट अर्न इट, ऐसे करेंगे हम रिस्पेक्ट अर्न इट, ये टी शर्ट पहना हुआ है हमने, हाँ जॉन सीना का टी शर्ट पहना हुआ है, बात बताइए, बात भी आज हमने नहाने के बाद यही टी शर्ट पहना है, और लिखा हुआ होता है ना इस पर, लिखा होता है हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट, कहाँ है हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट, कोई हसल करना चाहता है, कहाँ है, सब कोई पहले गिव अप कर देते हैं, कोई भी नहीं है जो आप संघर्ष, कहाँ है स्ट्रगल, आजकल तो मतलब सब कुछ बना बनाया लोगों को मिल जाए ना, तो बस एक होता है ना एक प्लेटर, सिल्वर प्लेटर, बस
मिल जाए बस इंसान, तो बस उसको खाना भी आप खिला दोगे ना तो भी इंसान खुश हो जाएगा, उसको खुद कुछ करना ही नहीं है यार। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखद है ये सिचुएशन। जो हमारे देश में एक हीलर एक डॉक्टर सेफ नहीं है यार, तो कहने की बात है। अभी ये केस भी अभी अभी दिल्ली में हुआ था, तो वो एक बोला ना कि एक फिल्म बना दिया जाएगा, कुछ एक महीनों बाद इसकी भी एक फिल्म आ जाएगी और हम लोग जाके थिएटर में 2-2.5-3 घंटे पिक्चर देख के आ जाएंगे। अरे क्या काम किया है, वेल डन। लेकिन वेल डन यार, वेल डन बोलना है तब सोचना भी तो पड़ेगा ना कि ये रियलिटी है, ये चीज़ें, ये घटना किसी के साथ हुई है, जिसकी जान गई है यार। कभी आप कभी मतलब उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, वो जो चला गया वो लौट के तो आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा। लेकिन जस्टिस, जिस जजमेंट का हम लोग वेट कर रहे हैं, वो तो आ सकता है ना, वो तो आ सकता है। कहाँ है, कहाँ है? हमको तो ये नहीं समझ में आता करुणा देवता कहाँ रह गए और क्या, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं यार। ऐसे ऐसे निरीह प्राणी अगर इस तरीके से गाजर मूली की तरह ऐसे कटेंगे मरेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? हम लोग आम जनता है, वी आर ऑर्डिनरी पीपल, और हम तो बहुत ऑर्डिनरी इंसान हैं। हमारी तो चलिए क्या, ऑब्वियसली इस वीडियो पे भी हम गारंटी देते हैं 1,500 तक भी, 1,500 व्यूज़ भी नहीं आएंगे, क्योंकि कोई नहीं देखेगा इस हमारे चैनल पे। कौन आता है? आप लोग आते हैं टैरो रीडिंग देखते हैं, और जब आपको पता चलता है कि अच्छा ये टैरो रीडिंग नहीं है, कि ऐसा कुछ लोग स्किप करके निकल जाएंगे, कुछ लोग देखेंगे कुछ लोग नहीं देखेंगे, तो हम तो भाई कोई चेंज लाने से रहे, हमसे तो लूज़र है ना, हम तो हम अपने आप से ज़्यादा उम्मीद करते भी नहीं हैं, हमको एक्सपेक्टेशन किसी से भी नहीं है, अपने आप से तो घंटा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमको तो ये नहीं समझ में आता कि कहाँ है भगवान, है कहाँ है तू। लिटरली कभी कभार लगता है कि कहाँ हो, कहाँ हो, क्या तुम्हारे इंसान की क्या हालत हो रही है भगवान, कब देखोगे, कब 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 नजरें, कहाँ है आपकी नज़र, किधर को भटक रही है, किधर को देखना है, कहाँ हम लोग क्या करें पता है, क्या कोई मार्गदर्शन कुछ। अरे एक स्ट्रगल रहा होगा जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, तो आपका वर्क प्लेस यार घर में बंद होकर चार दीवार में बैठ जाए हम लोग, बाहर भी अपने आप को जाके इंसान सेफ नहीं महसूस कर सकता है, कुछ भी सेफ नहीं है वैसे तो, कुछ भी सेफ नहीं है। अभी मान लीजिए हम वीडियो बना रहे हैं, अभी वीडियो बनाते बनाते ही भूकंप आ गया, छत हमारे ऊपर गिर गई, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, कुछ भी, सब कुछ अनप्रडिक्टेबल है। हमको क्या मालूम यार कि नेक्स्ट पल क्या होने वाला है, बींग अ टैरो रीडर हम अपनी भविष्यवाणी थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि ऐसा भी होगा, एक डॉक्टर नाइट ड्यूटी, तो कुछ भी मतलब कुछ भी यार, कुछ भी चल रहा है जीवन में। सच में यार कभी कभार बड़ी हैरानी होती है कि ज़िंदगी की किसी की कोई वैल्यू नहीं है। और कर्मा बिलीवर्स, हम लोग कर्मा पे भरोसा करते हैं, तो हम लोग भी क्या सोसाइटी के लिए क्या चेंज ला सकते हैं? कुछ हो रहा है जीवन में, वही टिमलक लगते टिमलक लग, लेकिन ये कैसा टिमलक लगते टिमलक लग है भाई, जिसमें इंसान की ज़िंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। माना कि सब कुछ ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है, ये मर्ज़ी है? ये सॉरी भगवान जी, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी माँ बाप के लिए कितना मुश्किल होता होगा अपने जवान बच्चे को इस तरीके से देखना, डेड बॉडी, मरा हुआ, और वो भी ऐसी हीनियस क्राइम। वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब क्या मतलब, कभी कभार ना कुछ हम लोग कुछ बोलेंगे भी ना, तो हमारे वो बोल बस वो ऐसा तो है नहीं कि वो हमारे, हमने जो बोला है भाई, हम कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन तो है नहीं कि हमारे बोल जो है मिनी ने बोला था अमर हो जाएगा। लेकिन राइट टू स्पीच है क्या? चल मतलब आप खुद सोचिए ना, अभी
कहीं पर तख्ता पलट हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ पर्टिकुलर लोग, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी पे कीचड़ उछाल रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, कुछ कुछ चल रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो मतलब सेफ्टी मेजर्स कहाँ है, सेफ्टी मेजर्स कहाँ है? सेफ्टी एक इंसान की ज़िंदगी की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग और हम लोग नेचुरल डेथ मरेंगे, कोई गारंटी नहीं है। ये नेचुरल डेथ है, आप खुद सोचिए। जहाँ पे अभी दूसरे कंट्रीज़ में जो हुआ है, जितने भी लोग मारे गए हैं, नेचुरल डेथ है ये। और ये जो अभी वेस्ट बंगाल में भी नेचुरल डेथ है, कहाँ है, क्या है? ये कानून व्यवस्था नहीं है यार। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऐसा निकलना चाहिए ना कि भाई जिसको पता हो कि खौफ आ जाए मन से कि हम लोग ऐसा नहीं करना है, ये बहुत ही ख़तरनाक क्राइम है, इसके तो बहुत ही भयंकर रिपरकशंस भुगतने पड़ेंगे। वो डर नहीं है ना लोगों में। और आप खुद सोचिए, जिनको हम सेवियर बोलते हैं कि हमारे प्रोटेक्टर्स हैं, जब वही ऐसा इन क्राइम्स में वही इन्वॉल्व हो, तो फिर तो बात ही नहीं रहती, कुछ कहने को कुछ रहता ही नहीं। अभी खाली वही न्यूज़ चलाएंगे तो वही हेडलाइंस है, वही डेडलाइंस है, वही ब्रेकिंग न्यूज़ है। कितने टाइम तक? हमने बोला ना, हमारी सरकार 5 साल की गारंटी, 5 साल के बाद वो भी बदलती है, ये न्यूज़ भी बदल जाएगा एक दिन। बस आने की देर है, मीडिया पे दूसरा न्यूज़ आएगा, ये न्यूज़ कहीं दब कर रख जाएगी, दब जाएगी बिल्कुल। उसके बाद सब भूल जाएंगे कि अच्छा उधर भी कुछ हुआ था क्या ऐसा। एक न्यू ब्रेकिंग न्यूज़ आने की देर है, सारी मीडिया वहीं भाग जाएगी। काहे की सोशल मीडिया, काहे की सोसाइटी, काहे की कानून, और काहे का ये इंडिपेंडेंस डे जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 78th इंडिपेंडेंस डे। क्या आपको लगता है हम लोग सच में स्वतंत्र हैं? ये आज़ादी मिली हुई है हम लोगों को? बाहर जाने की में डर लगे इंसान को कि भाई घर वापस लौट पाएंगे कि नहीं, वापस आके यही दो चार अपने पेरेंट्स का, अपने भाई बहन का चेहरा देख पाएंगे कि नहीं, लौटेंगे घर पे? कभी कभार ना मन नहीं करता है हमारा कुछ भी करने का, बड़ा बुरा लगता है, बड़ा बुरा लगता है, बहुत दिल खराब हो जाता है। कुछ इंसान अपनी लाइफ में कुछ ग्रो करना चाहते हैं, कितने सपने होंगे सोचिए, कुछ कितने सपने होंगे कि डॉक्टर हैं हम, अपने आप को फक्र से आईने में देखती होंगी वो कि आई एम ए डॉक्टर, हमारे नाम क्या था, आगे डॉक्टर लगता है। कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी एजुकेशन, ये एजुकेशन बिल्कुल धूल में मिल गई, बताओ, एक एक झटके में धूल में मिल गई। लिटरली यार, इतनी लगातार कंटिन्यूस ड्यूटी के बाद अगर इंसान की ये चीज़ देखनी पड़े, ये चीज़ फेस करनी पड़े, तो फिर तो बस यही है कि इंसान दुनिया में आए ही ना, पैदा ही ना हो कोई, क्या देखेगा दुनिया में? हम आने वाली जनरेशन को क्या सीख देंगे, क्या सिखाएंगे? ये है हमारे देश का हाल, ये चीज़ें चल रही है बताओ। और ये है हमारे नेता लोग जो निंदा कर देंगे टाइम टाइम पे, प्रशंसा कर देंगे टाइम टाइम पे, बात खत्म। क्या बस प्रेयर्स कर सकते हैं हम तो प्रेयर्स कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई। हम तो एक छोटे से, बहुत मामूली से ऑर्डिनरी इंसान हैं, बहुत ही छोटे छोटे दर्जे के इंसान हैं, और मामूली टेरर लीडर हैं। हम क्या बदलाव लाएंगे और क्या कर सकते हैं? छोटी सी हमारी 10,000 लोगों की कर्मा बिलीवर्स की कम्युनिटी है, हम लोग क्या क्रांति लाएंगे? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेट इट बी, बस ये है कि प्रेयर कर सकते हैं कि उनके पेरेंट्स को साहस मिले। और सबसे बड़ी बात यार, इंसाफ मिल जाए, वही बहुत है। जस्टिस मिल जाए, वही पहले की तरह जो दिल्ली में हुआ था, 7 साल 8 साल का टाइम लग गया जस्टिस होने में, इंसान के पेरेंट्स के जूते घिस गए, यहाँ कोर्ट के चक्कर, वहाँ कोर्ट के चक्कर, इतना टाइम ना लगे।
कुछ दिनों में, कुछ घंटों में अगर फैसला आए, कुछ एक कठोर सा, कुछ बहुत ही डेडली सा, जिससे लोगों को लगे कि नहीं हमारा देश इस काबिल है कि ये होता है एक्शन, ये होता है, ये होता है जजमेंट, ये होता है जस्टिस, इसको बोला जाता है, तो एक डेफिनेशन कायम करें, कुछ ऐसा हो सब कुछ। ताकि आप लोग अपना ख्याल रखिए, और ऐसा मैं और कुछ बोलना नहीं है इस बारे में, जो बोलना था हमने बोल दिया, चलते हैं, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, ये तो दुआओं का असर हो रहा है, बताओ उस डॉक्टर को भी क्या दुआ नहीं मिली होगी, कितने पेशेंट्स ने दुआएं दी होगी ना, बेटा खुश रहो, भगवान तुम्हारा भला करे, झुक झुक जियो, ये मिला है। I'm done.